सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। हाँ दोस्तों, आज सेंचुरी लगा दिया आईआरएफसी ने, यहाँ 100+ हुआ। आज ही आप जानते ही हैं कि पिछली बार मैंने वीडियो में कहा था कि जब कभी भी 100 रुपया या 100 रुपया प्लस होगा उसी दिन मेरा वीडियो आ जाएगा। देखिए दोस्तों, आज से ठीक 3 महीने पहले मैंने 11 सितंबर के दिन में ही मैंने कहा था कि ये 100 रुपया चला जाएगा। और देखिए, 3 महीना ही, मुश्किल से 3 महीना, आप काउंट कर लीजिए 3 महीना, 4 दिन, 5 दिन, जो भी है। तो उस हिसाब से देखिए दोस्तों, इसने अपनी मजबूती सेंचुरी 100+। और वैसे ये खुशी इतनी हो रही है दोस्तों, मैं पर्सनली शब्दों में यही बयान करूंगा कि जैसे बैट्समैन को वो खुशी होती है एक सेंचुरी लगाने के बाद, वो फीलिंग आज मुझे हो रही है कि ये आज इसने 100+ जो किया। चलिए, अच्छी बात है। और सभी इन्वेस्टर्स को मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता हो रही है दोस्तों, ये करते हुए कि मेरा पहला जो वीडियो आया था वो अक्टूबर महीने, पिछले साल अक्टूबर महीने में आया था। और कुल मिला के देखिए दोस्तों, 14 महीने के अंदर ही, यानी मैं एक राउंड फिगर कहूं कि 15 महीने के अंदर ही ये कंपनी ने 4 गुना से ज्यादा, आईआरएफसी ने 4 गुना से ज्यादा रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को, एक ही साल 2 महीना 3 महीना जो भी आप काउंट कर लीजिए। तो मुझे अच्छे से याद है दोस्तों, अगर आज मेरा पहला वीडियो आप देखेंगे जब 22 रुपए के नीचे जो भाव चल रहा था, कुछ 21 रुपए 65 पैसा कुछ भाव था, और उस दिन बाद जो मैंने कहा और वो यात्रा जो शुरू हुई पॉजिटिव टच वाली बात, और कई इन्वेस्टर हैं जिन्होंने 24 रुपए 25 और 27 रुपए में भी लेकर आज रखे हैं, तो वो बड़ी खुशी की बात है। यहाँ ही सब वेल्थ बनता है दोस्तों, अच्छा स्टॉक हो, क्वालिटी स्टॉक हो, और पॉजिटिव ट्रेंड वाली बात तो समय के साथ साथ होता है, बिजनेस परफॉर्मेंस भी देखा जाता है। इन सभी बातों में जो गुणवान वाली बात रही वो आईआरएफसी में रहा दोस्तों। चलिए, आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, और कुछ बातें और भी है कहना, आगे कहने ही जा रहा हूं। चलिए, आईआरएफसी पार्ट 8 आप देख लीजिएगा नॉलेज के लिए। आईआरएफसी का आज का देखिए क्लोजिंग प्राइस 94.70 एज ऑन 15 दिसंबर 2023, और मार्केट कैप पे आपका विशेष ध्यान हो, 1,23,758 करोड़, अब लाख करोड़ के ऊपर, 1.25 लाख, 1.5 लाख, ये आप देखेंगे दोस्तों। एक दिन ये भी आएगा दोस्तों जब मैं ये लिखूंगा ये मार्केट कैप 1,50,000+, ये भी आप देख लीजिएगा। अब वो पार्ट कौन सा होगा मुझे नहीं मालूम, वो 10 होगा कि 11वां होगा कि 12वां होगा, लेकिन निश्चित है कि वो समय भी आएगा जब इसका मार्केट कैप 1,50,000 करोड़ होगा दोस्तों। चलिए, अभी आपका जो इंतजार है, बात है, उसको भी पूरा करने ही जा रहा हूं, आपके सभी प्रश्नवाचक चिन्ह का उत्तर देने जा रहा हूं। सबसे पहले वो मैं कहूंगा, आईआरएफसी में जो टर्निंग पॉइंट हुआ है दोस्तों, अगर आपको ध्यान हो कि 74 से लेके 78 तक काफी समय तक ये रहा, ₹74, ₹75, ₹76, ₹77 इसी रेंज में घूमता रहा, और उसके बाद फिर एक आध बार मार्केट गिरा भी था काफी बीच में, जब नेगेटिव हुआ था तो ये 66 रुपीज भी आया था अगर आपको ध्यान हो तो, और वहां से जो ये चला 66 के बाद 71, 74, 75, 77, और कई लोग 79, 80 में भी निकल गए होंगे, क्योंकि जब 81, 82 आया तो हाँ भाई चलो, जिन्होंने 70 में लिया था वो प्रॉफिट करके निकल गए, लेकिन जिन्हें ध्यान था कि मैंने कहा था 100 रुपीज जाएगा, उन लोगों ने होल्ड किया, और वो पेशेंस देखिए आज की तारीख में सभी लोग पॉजिटिव टच में हुए हैं। और ये खूबी भी इस बात की है देखिए दोस्तों, कि 2 महीने तक, या मैं कहूंगा 2.5 महीने तक, 2.5 मंथ्स तक ये 74 से 79 के बीच में ही चला, लेकिन 1 सप्ताह के अंदर, 5 दिन के अंदर मैं कहूंगा, जैसे इसने 82, 83 किया, फिर बाद में 85, 87, 88, और आज ये देखिए दोस्तों 100+ टच किया, और कई लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग भी किया आज, क्योंकि जिन्होंने बड़ा रकम इन्वेस्ट किया था वो 100 रुपए में प्रॉफिट बुकिंग किए, जिसके फलस्वरूप, और वैसे भी आज फ्राइडे था, फ्राइडे है मैं अभी कहूंगा था नहीं है, और जिस हिसाब से मार्केट का क्लोजिंग रुक दिया गया,
निश्चित रूप से मार्केट में जो क्लोजिंग का समय या उससे पहले प्रॉफिट बुकिंग तो करना जस्टिफाइड ही है, क्योंकि ऐसे मार्केट में जब पॉजिटिव ट्रेंड आए और जल्दबाजी में क्या होता है, कभी कभी मार्केट ट्रेंड एक अच्छा रूप पकड़ लेता है और वहां पर क्या है, जब वॉल्यूम काफी जोरदार बढ़ता है तो शेयर प्राइस में भी मोमेंटम जोरदार आ जाता है। तो ये सारी बातें IRFC में हुआ आज और उस हिसाब से सेलिंग भी आया। तो चलिए अच्छी बात है, प्रॉफिट बुकिंग किया गया, ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अल्प समय में अगर प्रॉफिट बुकिंग हो जाए तो मार्केट में सबसे प्लस पॉइंट यही होता है। चलिए आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं दोस्तों कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है दोस्तों, मैं उनको यही कहूंगा कि वो होल्ड करें, जैसे मैं हमेशा कहता हूं अच्छे स्टॉक के लिए कि जो स्टॉक अच्छा है कि भाई ठीक है, बीच में मार्केट ट्रेंड है ऊपर नीचे होगा तो होल्ड करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए पहला एडवाइस है। दूसरी बात, प्रश्न ये आता है कि अगर दोबारा मुझे और कुछ खरीदना है, IRFC का शेयर मान लो मेरे पास 900 है, 1000 करना है, या मेरे पास 1200 है तो 1300 या 1400 शेयर करना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट होगा कि जब कभी भी ये बाय 90 रुपीस है उसके नीचे आए तो लेने योग्य है दोस्तों, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड है कभी आगे जाएगा, कभी थोड़ा और प्रॉफिट बुकिंग हुआ, कभी कोई कुछ न्यूज नहीं है, कुछ बात नहीं है, तो कभी कई बड़े बड़े ट्रेडर्स बेच भी देते हैं, तो ये भी हो सकता है कि कभी एक आध बार ये 90 रुपीस या उसके नीचे आए तो वहां पर आप जोड़ लीजिएगा दोस्तों। हाँ, वहां पर आप शेयर जोड़ लीजिएगा जब कभी भी 90 के नीचे आए, जैसे 88 आ गया, 87 आ गया, 86 आ गया, 85 आया, तो बहुत प्लस पॉइंट पर आप हैं और शेयर जोड़िए दोस्तों, क्योंकि ये आगे चलकर आने वाले दिनों में या समय में ये धीरे धीरे जब प्रोग्रेस करेगा प्राइस में तो ये पहुंचेगा दोस्तों, मैंने लिखा नहीं है, अब मैं लिखने जा रहा हूं आपके सामने ही, ये नॉलेज की बात है। चलिए ठीक है, जब कभी भी ये 120 प्लस करे, हाँ दोस्तों 120 रुपीस या प्लस, वहां पर आप पार्टली सेल करिएगा, ये ध्यान रहे कि जब कभी भी IRFC का भाव 120 या 20 प्लस होगा उस दिन आप थोड़ा सा पार्टली प्रॉफिट बुक करिए। जैसे मैंने भी कहा ना कि जैसे आपने 1200 शेयर लिया है या आपने बीच में नीचे आया तो और 100 जोड़ लिए, तो वही 100 शेयर जो आपने जोड़ा है 90 के नीचे या उस तरह से, तो वही शेयर आप बाद में इस लेवल पर आए तो पार्टली सेल जरूर करिए। हाँ, अभी मैंने ऑन एन एवरेज देखा है दोस्तों कि 2 महीने से 3 महीने लगाया है स्टॉक ने कभी भी एक नए प्राइस रेंज को प्लस करने में, तो हो सकता है ये 2 महीना भी लगाए, हो सकता है ये 3 महीना भी लगाए, या एक रेंज में भी हो, और हो सकता है उसके काफी पहले भी ये प्राइस आप देख सकते हैं। तो बस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को होल्ड करना है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर यहां पर पार्टली प्रॉफिट बुक करें, जैसे मैंने कहा ना कि 1200 शेयर है, 1300 शेयर है, तो 100 शेयर बेचा जा सकता है और यहां पर एक नाम के लिए आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए कह रहा हूं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को भी अगर प्रॉफिट बुक करने का थोड़ा सा मन होता है, भाई चलो ना कुछ तो करें, तो हमने सूप करने के लिए 10 शेयर 20 शेयर या 25 शेयर बेचा, और 25 शेयर और 20 शेयर बेचने से कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, आपका प्रॉफिट ही आप अपने रिवॉर्ड को अपने हाथ ले रहे हैं, तो रिवॉर्ड को भी लेना जस्टिफाइड है दोस्तों। तो उस हिसाब से मैं यही एडवाइस करूंगा कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो 10, 20 या 21 शेयर हम बेचे या 11 शेयर बेचे तो सूप है, उस तरह से आप सूप कार्य करिएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कह रहा हूं। बस दोस्तों, मैं मानता हूं मेरी बात को आपने सरल रूप में समझ लिया होगा, और क्या कहना दोस्तों, आज की तारीख में हमारे मल्टी वेगर स्टॉक प्लस प्लस पे जा रहे हैं और पॉजिटिव ट्रेंड में भी है, और कुछ प्रॉफिट बुकिंग वहां भी होता है ऊपर के भाव में, फिर एक लेवल पे घूमता है, इस तरह की बातें हैं। और मैंने आज की तारीख में 5 से 6 नए मल्टी वेगर हैं और 4 से 5 और भी प्लेटिनम स्टॉक नए आए हैं। तो बस मैं यही कहूंगा कि आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपके पास मल्टी वेगर स्टॉक जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा पेड सर्विस के अंतर्गत है दोस्तों। तो देख लीजिए आप जो भी बातें हैं, आप व्हाट्सएप में मैसेज करके मल्टी वेगर स्टॉक सर्विस के बारे में और प्लेटिनम स्टॉक सर्विस के बारे में आप ले सकते हैं जानकारी। और उसी के साथ साथ दोस्तों मैं ये भी कहूंगा कि आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस जो क्रिएट करता है वेल्थ लॉन्ग टर्म के लिए,
तो उसके लिए आप जरूर प्लान करिए दोस्तों, क्योंकि मार्केट में वेल्थ कहां बनता है, जब आपका एक पोर्टफोलियो एक ऑर्गेनाइज लेवल पे बन जाता है, तो उसको आप फोकस करके उसमें जब हम देखते हैं कि भाई यहां पर शेयर को जोड़ना चाहिए या यहां से आपका पैसा बनता है, अगर क्वालिटी स्टॉक है तो निश्चित रूप से आपका पैसा बनता है दोस्तों। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑल आप वहां पर अच्छा पैसा बनाते हैं या बनेगा, तो उसके लिए बेस्ट होगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। और हमारा कुछ एडवांस लेवल पर है दोस्तों प्लेटिनम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। और हाँ, नो डाउट आप इससे संबंधित जो भी जानकारी चाहिए आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और कुछ बड़े पैमाने में आप रिस्क लेकर कुछ कमाने की इच्छा रखते हैं तो डायमंड मेंबरशिप का आप प्लान कर सकते हैं। इससे संबंधित जो भी जानकारी चाहिए व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, और रेगुलर मेंबरशिप तो हमारा चल ही रहा है ये आप जानते ही हैं, तो इन सभी संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।